गाँव नौगावा। अनिल जी, जो आपके एरिया में क्या क्या समस्या है और किन समस्याओं का समाधान करवाया है भाजपा सरकार ने? भाई साहब, समस्या तो इतनी है कि बस पूछो मत ना, और समाधान तो करवाया ही नहीं। हर मानस चाहे छोटा या बड़ा कोशे भी उसमें चले जाओ। फिर कौन से वार्ड से पार्षद? मैं 14 नंबर वार्ड से पार्षद हूँ। आपके वार्ड में क्या क्या समस्या? मेरे वार्ड में कोई भी एक भी कार्य नहीं करवाया आज तक का रिकॉर्ड है। कोई रोड नहीं, कोई पानी की सुविधा नहीं, कोई स्कूलों में मास्टरों की सुविधा नहीं, खाली लूट चल रही है और यह देगानी पड़ेगी सरकार। भाई साहब, आपने प्रस्ताव नहीं दिया? प्रस्ताव घने दिए हम, मन कोई काम नहीं करे, कोई ग्रांट नहीं मिल रहा, ना सरपंच ना मिल रहा, ना हमने पार्षदान मिल रहा, कोई ग्रांट नहीं मिल रहा। अपनी समस्याओं को लेकर मंत्रियों से मिले हो? हाँ, मंत्रियों से मिले हैं, हम सारे पार्षद भी इकट्ठे हुए थे। क्या जवाब मिला? कोई जवाब नहीं, आश्वासन दे के डगा दी रेडी और जावाए तो वो सरपंच पीटे थे, न्यू न्यू आ जाओ त्यार से लाठी। चुनाव नजदीक है, अब क्या लग रहा है हमारी सरकार क्या होगी? भाई साहब, दीपेंद्र हुड्डा क्लियर जीत है और तुरंत ही अगले चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा सीएम होंगे और बहुत ज्यादा वोटों से क्लियर जीत है। कितनी वोटों से जीत मान लो? दीपेंद्र हुड्डा कम से कम 3-4 लाख वोटों से जीतेगा। एक तरफ हर गाँव में, अभी हम सुंदरेटी में खड़े हैं, यहाँ आप भीड़ देख लो, बहुत ज़्यादा जोश है लोगों में दीपेंद्र के प्रति। अनिल जी, जो ये स्कीम लेके आई है सरकार, जिस प्रकार ये उदा सरकार कह रहे हैं कि सरकार आने को 8,500 रुपये महालक्ष्मी योजना के रूप में दिए जाएंगे महिलाओं, क्या है ये? हुड्डा साहब जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं। क्या स्कीम है ये? स्कीम जो ये इसमें लेकर रखी प्रस्ताव में ही आप पढ़ लो, हुड्डा साहब का तो झूठ नहीं बोलते। हुड्डा साहब ने पहले भी काम करवाए हैं, आगे भी काम करवाओगे। 6,000 पेंशन, 300 यूनिट फ्री, हर बच्चे को रोजगार मिलेगा, चाहे सरकारी या प्राइवेट, रोजगार हर बच्चे को मिलेगा। 8,500 रुपये प्रत्येक महिला को दिए जाएंगे या सिर्फ घर की मुखिया को? घर की मुखिया को, हाँ जी, जो मुखिया है राशन कार्ड में, हाँ जी उसको। अगर 10 साल कांग्रेस की सरकार रही तभी पेंशन में 500-700 रुपये की बढ़ोतरी हुई, 10 साल के अंदर 1,000 रुपये की मान सकते हैं जी। लेकिन अब सरकार आएगी तो अचानक 3,000 रुपये की बढ़ोतरी, ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है भाई साहब, क्यों नहीं हो सकता? सीएम चाहे तो कुछ भी कर दे, लेकिन इन्होंने सारी झूठ बोली है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा झूठ नहीं बोलते, दीपेंद्र सिंह हुड्डा झूठ नहीं बोलते। उम्मीद है यदि कांग्रेस की सरकार आएगी तो विकास करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, लहर चलेगी विकास की, हर घर में खुशियाँ आएंगी। पहले मनोहर लाल खट्टर सीएम थे, अब राजकुमार सैनी को बदल दिया गया था, उसमें क्या डिफरेंस देखने को? डिफेंस तो भाई साहब यूँ बताओ आपने, अगर वो सच्चा होता तो क्यों बदलते उसको? उसने 5-9 साल लूट के खा लिया देश, एक भी कार्य नहीं कराया, एक भी बालक कामयाब नहीं करवाया। ये लूटने की सरकार है, ये नौकरी दी है हमने, झूठ बोल रहे हैं, कोई सबूत है इनके पास? झूठ बोल रहे हैं ये। अभी तो घना सिस्टम चल रहा है पैसा का, पहले भाई ये कोई करवा दिया था, कोई पेपर हो जाया करते, ये वो भी बंद, सारा सिस्टम बंद है, कोई नौकरी नहीं देता, अपनी काबिलियत से लागे हैं बच्चे, बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि रोहतक तक मेट्रो लेके आएंगे, वही दूसरी तरफ अरविंद शर्मा जी कह रहे हैं कि जब तक मेट्रो चलाएंगे, इन दोनों में क्या अंतर है? मेरे भाई, इनने जो काम कर रखे हैं उनके पत्थर ना लाग लिए, KMP इनने कराया था, उसका ही न पत्थर लाया है, भादरगढ़ तक मेट्रो दीपेंद्र हुड्डा ले आया था, उनका पत्थर लगाया, 1 इंच भी बढ़ाया हो तो बताओ किशन, ये झूठ बोल रहे हैं। ठीक है जी।